तो गाइज जैसा आप देख रहे हो गाड़ी में बिल्कुल ओस जमी है। हम यहाँ पे पूजा का सामान लेने आ गए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा हूँ। आज हम थोड़े बहुत अपने यहाँ के आपको कल्चर दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आगे, तो कीप वॉचिंग। ये हम चल चुके हैं, अब हम चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। तो गाइज़ जैसा आप देख रहे हो गाड़ी में बिल्कुल ओस जम चुकी है। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल ही पानी पानी से। यहाँ पे ठंड बहुत है इस टाइम पे। ये देखो ओसी देखो शीशे पे। ये मैंने अभी थोड़ी सी साफ कर दिया है। गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम चल रहा है, घर बना रहे हैं। ये हम यहाँ पे पूजा का सामान लेने आ गए, बूंदी लेने आए हैं हम यहाँ पे, बूंदी पूजा के लिए मंदिर में चढ़ाने। हमारे यहाँ की फेमस मिठाई है बेसन की बर्फी या बेसन। तो गाइज सामान वामान ले लिया है, अब बस यहाँ से निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी, फिर मिलते हैं आपको आगे। हम अपने गांव में एंटर कर चुके हैं यहाँ से। पीछे सब आ रहे, मम्मी भाभी भैया पापा। गाँव के छोटी छोटी गलियां। उठे नमस्ते दादा जी। ये हमारा कम से कम 100-150 साल पुराना घर है ये वाला, और ये हमने फिर बाद में बनवाया था। ये हमारा छोटा सा गांव का घर। गाइस तो आप देख रहे हो यहाँ हमारी भैंसे वगैरह बांधी जाती है, और यहाँ पे बकरियाँ भी हैं, और ये इसी के अंदर देख रहे हो इनके लिए जो बना रखा है यहाँ पे। तो ऐसे जाते हैं हमारे यहाँ पे। हम अभी पीपल पूजने जा रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ आगे। और ऐसे मतलब जब आते हैं तो ऐसे पानी डालते हैं। ये
तो ये है हमारे गांव का व्यू, ये घर। तो गाइस हम ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे पिपल के यहाँ। ये है ये कुआ है इसके साइड में। ये ऐसे करके यहाँ पे जनोई बांध के इसके चक्कर लगाने होते हैं पिपल के। शादी के बाद यहाँ ना सबसे पहले शादी के बाद यहीं पर आते हैं और ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, मतलब गांव के जैसे कि मतलब जो हमारे जैसे पूर्वज होते हैं देवता देवता वगैरह पूछते हैं तो ऐसे। पहले के टाइम की घर है, काफी साल पुराने ऐसे। चप्पल टूटते हुए